आज हम बनाएंगे बैंगन भरता, और बैंगन भरता आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो बैंगन भरता सुपर टेस्टी तो बनेगा ही, साथ ही बहुत ही आसानी से और कम समय में बनकर तैयार हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, बंजी फूड चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए मैंने बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने दो बड़े साइज़ के बैंगन लिए हैं। तो ये बैंगन को हम सबसे पहले यहाँ से कट करेंगे इस तरह से। कट करने के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं अंदर से ख़राब तो नहीं है। और अब इसमें मैंने हरी मिर्च और लहसुन बारीक काट के रखा था, इसे थोड़ा सा मिक्स करके हम इसके अंदर डालेंगे। इससे हमारा बैंगन का भरता बहुत टेस्टी बनेगा। इस तरह से हम इसे कर लेंगे और इसमें इस तरह से भर लेंगे। तो कट जो है मैंने थोड़ा गहरा लगाया है ताकि इस तरह से अंदर से हम इसे डाल सकें। इससे जो बैंगन है उसका टेस्ट और उभर के आता है। इस तरह चम्मच से इसे हम अंदर डाल देंगे। इसी तरह से हम दूसरे बैंगन को भी कर लेंगे, उसमें भी डाल देंगे। अब इसमें हाथ में थोड़ा ऑयल लेंगे और इसे ऊपर से हम लगा लेंगे। देखिए कट मैंने एक ही साइड से लगाया है, चारों तरफ से ना लगाए इसे। इस तरह से हम एक स्टैंड रख लेंगे। यदि आपके पास इस तरह से स्टैंड ना हो तो नॉर्मली ये सभी के यहाँ इस तरह का स्टैंड होता है, तो इस पर भी आप बैंगन को रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल है इसलिए मैं वही यूज़ करूँ। और अब इसमें हम बैंगन रख देंगे इस तरह से। तो हमने जिस तरफ कट लगाया है उसे उस साइड को हम ऊपर रखेंगे ताकि जब बैंगन रोस्ट होएगा तो अच्छे से सेट हो जाएगा, तो पलटने पे फिर वो गिरेंगे नहीं। इस तरह से अलट पलट के इसे मैंने स्लो फ्लेम पर भी अलट पलट के पका लिया है। बीच बीच में स्लो फ्लेम भी करें ताकि जो बैंगन है वो अंदर तक पके। और आप देख सकते हैं जो हमने कट लगाया था उसमें से मसाला बिल्कुल भी नहीं गिरा है, क्योंकि हमने पहले इसे इस तरह से रखा था और बाद में पलटने पर ये सेट हो गया था, इसलिए वो अंदर से नहीं गिरेगा। अब ये पूरी तरह से रोस्ट हो गया है, अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसके हाथों से कवर निकालेंगे। तो अब हम इसका कवर निकाल लेंगे। थोड़ा हल्का गर्म रहेगा तभी निकाल ले, तो इसीलिए निकल जाता है वो। ये देखिए हमारे लहसुन और जो मिर्ची है वो भी अच्छे तरीके से रोस्ट हो गई है। इसका जो टेस्ट है वो बैंगन में अच्छे तरह से घुस चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा चेक कर लेंगे, अच्छी तरह से इसे मैश कर लेंगे। और थोड़ा बहुत जो काला वाला दिख रहा है वो रहता ही है, उससे टेस्ट और बढ़ता है, स्मोकी फ्लेवर आता है, तो इससे हम इसे मैश कर लेंगे। बैंगन को मैश कर लिया है, अब हम सब्जी की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए एक पैन लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने पर मैंने 2 तेजपान के पत्ते लिए, इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से होने देंगे। 1/2 चम्मच सरसों, 1/2 चम्मच जीरा, बिल्कुल जरा सी नींद। अभी प्याज काटा था तो प्याज डाल देंगे, इसको पतला पतला काटा है प्याज को। हरी प्याज का व्हाइट वाला पोर्शन है वो डाल देंगे, और ये हरा लहसुन है उसका व्हाइट वाला पोर्शन है वो डाल देंगे। अब ये 1/2 कप हरी मटर ली है, ये फ्रेश वाली है, इसे डाल देंगे। आप चाहे तो इस समय हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं की है क्योंकि बैंगन को रोस्ट करते समय हमने हरी मिर्च डाली थी तो उसमें काफ़ी टेस्ट आ चुका है उसका। और आप यदि ज़्यादा स्पाइसी पसंद कर सकते हैं तो हरी मिर्च अभी यूज़ कर सकते हैं। मटर पक गए हैं और प्याज भी अच्छे ब्राउन आने लग गए हैं, तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसे होने देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्रेंड्स, यदि आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें, उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से हो गया है, अब हम गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और सारे मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़रा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर।
मसालों को अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें कच्चा स्वाद ना आए। मसाले हो गए हैं, अब हम टमाटर डालेंगे जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था। इस समय हम थोड़ा हरा प्याज डाल देंगे। इस सीजन में हरा लहसुन मिलता है, यदि अवेलेबल हो तो आप वो भी डालें, इससे टेस्ट अच्छा आता है। इसे हरा लहसुन डाल दूँ पत्ती वाला, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी हरी प्याज हम लास्ट में डालेंगे गार्निशिंग के लिए। टमाटर को हम थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इसमें बैंगन डाल देंगे मैश किए हुए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे। इसे मिक्स करके 2 से 3 मिनट मिक्स करके इसे होने देंगे। ये देखिए हमारा एकदम टेस्टी बैंगन का भरता बनकर तैयार है। अब हम इसे लास्ट में हरी प्याज डाल के गार्निशिंग कर लेंगे। ये डाली मैंने हरी प्याज थोड़ी, और ये डाला थोड़ा हरा धनिया, और अब इसे कर लेंगे बढ़िया से मिक्स। बैंगन का भरता ऐसी चीज है जो शायद ही किसी को ना पसंद हो, बैंगन का भरता सभी को बहुत पसंद होता है। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद, अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे हम। ये बैंगन का भरता बहुत ही टेस्टी बना है, मेरे मुंह में अभी से पानी आने लगा है क्योंकि बैंगन का भरता मेरा फेवरेट है। यदि आपका भी फेवरेट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसे अब हम अच्छे से हरी प्याज डाल के गार्निशिंग कर लेंगे, थोड़ा हरा धनिया। तो लीजिए, बैंगन भरता बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, और रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है मतलब रेसिपी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।